Hello students, so in this lecture we'll start with the linkage. We have talked about linkage previously also, but we are going to talk about one more topic in linkage. Okay, so we know that linkage is incomplete linkage or a complete linkage. Uske baare mein we have an idea. Okay, so there is incomplete linkage, थोड़ा डिटेल में देख लेंगे आज, and there is complete linkage, ठीक है? So complete linkage and incomplete linkage की आज बात करेंगे. So incomplete linkage में क्या होता है? Pay attention. Let's say there are chromosome, homologous chromosomes. And they have the alleles capital A and small a, capital D and small d. ठीक है, तो अब क्या होगा जब gametes बनेंगे, है ना? This is an individual with this genotype. तो जब gamete का formation होगा, तो gamete के formation में there would be crossing overtaking place. क्या होगा? Crossing over होगा, और crossing over की वजह से ये जो small d था ये capital A के साथ आ जाएगा, और जो capital D था वो small a के साथ आ जाएगा. So this is the outcome of crossing over, क्योंकि यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, there is incomplete linkage. ठीक है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, this is going to happen after crossing over. This is going to happen after crossing over. ठीक है, और कौन से gametes बनेंगे? So one is going to be as it is, the parental combination. Another is going to be the parental combination as well. ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशंस है, दिस आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड दिस आर पेरेंटल. दिस आर रिकॉम्बिनेंट्स एंड दिस आर पेरेंटल. ठीक है, नाउ दिस इज हैपनिंग आफ्टर क्रॉसिंग, और क्रॉसिंग ओवर हुआ है, और जीन्स और एलील्स क्या हो चुके हैं, दे हैव बीन सेपरेटेड. ओके, तो मैं लिख देता हूं यहां पे, जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम can be separated with the help of crossing over. Genes present on the same chromosome can be separated by crossing over. ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट कंप्लीट लिंकेज, अगर मैं कंप्लीट लिंकेज की बात करूं, विल टेक द सेम सेटअप, कैपिटल ए, कैपिटल डी, स्मॉल ए एंड स्मॉल डी. दिस इज एन इंडिविजुअल होमोलोगस क्रोमोसोम, के ऊपर एलील्स अवेलेबल है. तो जब यहां पे गैमेट्स बनेंगे, यहां पे गैमेट्स बनेंगे, इसके गैमेट्स ये बने थे, तो इसके जब गैमेट्स बनेंगे, तो इसके गैमेट्स में आप देखोगे कि कैपिटल ई ए कैपिटल डी के साथ ही है, और स्मॉल ए स्मॉल डी के साथ ही है. आपको यहां पे चार टाइप ऑफ गैमेट्स मिले थे, यहां पे आपको सिर्फ दो टाइप मिल रहे, और वो भी दोनों टाइप कौन से? दोनों टाइप पेरेंटल है, दोनों टाइप पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन नहीं है. तो क्या यहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ? क्रॉसिंग ओवर हुआ है, बट द थिंग इज यहां पे जो जीन्स है दे आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ ईच अदर, एंड दैट इज द रीजन क्रॉसिंग ओवर होने के बावजूद भी दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. ठीक है, यहां पे लिखेंगे
क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बट जीन्स आर closely associated to each other. जो genes है वो closely associated है एक दूसरे के साथ and they do not separate. This is the difference. Crossing over तो यहाँ पे भी हुआ है. But crossing over होने के बाद the genes are getting separated. The genes present on the same chromosome can be separated by crossing over. But यहाँ पे crossing over takes place, but genes are closely associated. यार genes एक दूसरे के काफी पास में हैं, are closely associated to each other. And they do not separate. तो उसके वजह से क्या हुआ? जो भी combination मिला gamete में, वो combination कौन सा combination है? वो parental combination है. और यहाँ पे crossing over होने की वजह से जो combinations मिले, उसमें parental combinations भी है और recombinant combinations भी है. आ रही बात समझ में? Okay? So crossing over दोनों cases में हो रहा है, but genes are closely associated. ठीक है, एक दूसरे से काफी क्लोजली एसोसिएटेड है. और यहां पे जीन्स क्लोजली एसोसिएटेड नहीं है, क्रोमोसोम्स के ऊपर है, बट मे बी दे आर फार अवे. ठीक है, डन. सो नाउ इन द इनकम्प्लीट लिंकेज वी हैव टू पैटर्न्स. इनकम्प्लीट लिंकेज की अगर बात करते हैं तो वी हैव टू पैटर्न्स अवेलेबल. One is gametic coupling and gametic repulsion. Gametic coupling and gametic repulsion. ठीक है, सो दो चीजें आज के लेक्चर में अपन देखेंगे, दैट इज गैमेटिंग, गैमेटिक कपलिंग एंड गैमेटिक रिपल्शन. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर नाउ. सो लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट गैमेटिक कपलिंग. सो गैमेटिंग कपलिंग के लिए विल टॉक अबाउट द वर्क ऑफ बैट्सन एंड पुनिट ऑन स्वीट पी. स्वीट पी का साइंटिफिक नेम आप मुझे व्हाट्सएप करोगे. सो बैट्सन एंड पुनेट के काम की बात करेंगे. दे वर्क ऑन होम, दे वर्क ऑन स्वीट पी. दे वर्क ऑन स्वीट पी. ठीक है, साइंटिफिक नेम आप मुझे व्हाट्सएप कर देना. और यहां पे जो कैरेक्टर चूज किया स्वीट पी का, दैट इज गोइंग टू बी द फ्लावर कलर एंड पोलन साइज और पोलन शेप. ठीक है, द फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट है दैट इज ब्लू ओवर रेड. ब्लू कलर इज डोमिनेंट ओवर रेड. And pollen shape में long is dominant over round. Long is dominant over round. तो alphabet तो आपको पता चल गए. Capital B, small b, capital L, small. ठीक है, simple है. So parental cross करेंगे पहले. तो parental cross में प्योर ब्रीड्स को लिया जाता है. सो
कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल एल, कैपिटल एल, ये एक का जीनोटाइप हो गया। दूसरे का जीनोटाइप लेते हैं, सो दैट इज स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एल। ठीक है, पेरेंटल क्रॉस में प्योर ब्रीड्स को लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब क्या बनेगा, गैमिट्स बनेंगे, सो गैमिट्स बनाते हैं। तो यहां पे एक टाइप का गैमिट बनेगा, यहां पे एक टाइप का गैमिट बनेगा, कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल, स्मॉल एल। ठीक है, अब ये दोनों जब फ्यूज हो जाएंगे तो एफ वन जनरेशन आएगी। सो एफ वन जनरेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, सो एफ वन जनरेशन में देयर वुड बी कैपिटल बी, कैपिटल एल एंड स्मॉल बी एंड स्मॉल एल। ठीक है, सो ये एफ वन आ गया। अब यहां पे एक और टर्म मैं आपको बताता हूं, बिकॉज एज यू सी द डोमिनेंट एलील्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड द रिसेसिव एलील्स, बोथ द रिसेसिव एलील्स आर लोकेटेड ऑन द से अदर क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ डोमिनेंट एलील है, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर सिर्फ रिसेसिव एलील है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है इसे कहा जाता है सिस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो मैं आप लिखता हूं, दिस इज शोइंग सिस कॉन्फिगरेशन। व्हाट इज सिस कॉन्फिगरेशन, इफ both the dominant alleles, if both dominant allele are present on same chromosome। ठीक है, दोनों डोमिनेंट एलील्स क्या है, सेम क्रोमोसोम पे है, और दोनों रिसेसिव एलील सेम क्रोमोसोम पे है। सो इफ बोथ डोमिनेंट एलील आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड बोथ रिसेसिव एलील आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, और लेट्स से ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है, क्लियर है। इफ बोथ द डोमिनेंट एलील्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम एंड बोथ द रिसेसिव एलील्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, दो क्रोमोसोम होते, वन प्लस वन दो गए। ठीक है, सो दैट अरेंजमेंट is known as cis configuration. The arrangement is known as, the arrangement of the genes is known as cis configuration. तो यहां पे ये जो क्रोमोजोम है, ओके, यहां पे कौन सा अरेंजमेंट दिख रहा है आपको, cis configuration दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, अगर यहां पे भी कैपिटल बी है, यहां पे भी कैपिटल वाला है, यहां पे स्मॉल है, यहां पे भी स्मॉल है, That is cis. अगर इसको उल्टा कर देता हूं मैं, जैसे कि कैपिटल बी यहां है, स्मॉल एल यहां है, और यहां पे स्मॉल बी है, और यहां पे कैपिटल एल है, मतलब दोनों डोमिनेंट एलील्स अलग अलग क्रोमोसोम पे, सो दैट इज नोन एज ट्रांस कॉन्फिगरेशन। देखते हैं, सो एफ वन में व्हाट वी डू इज वी डू द टेस्ट क्रॉस। अब इसका टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करेंगे, ठीक है, सो आई रब दिस डाउन। एफ वन से स्टार्ट करते हैं, सो एफ वन में क्या मिला, सो एफ वन में सिस कॉन्फिगरेशन है अपने पास अवेलेबल, टेस्ट क्रॉस करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी, टेस्ट क्रॉस में आप रिसेसिव लोगे, सो दिस वाज कैपिटल बी, कैपिटल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल, ठीक है, और यहां पे स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल बी, स्मॉल एल, ठीक है, सो दिस इज द टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, सो नाउ गैमेट्स बनेंगे। तो कौन से गैमेट्स बनेंगे, सो द गैमेट्स आर गोइंग टू बी
ओके सो यहां पे एज आई मेंशन क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग टू टेक प्लेस. तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से गैमेट जो बनेगी है, वन ऑफ द गैमेट इज गोइंग टू बी कैपिटल बी कैपिटल एल, ठीक है. अनदर वन इज गोइंग टू बी कैपिटल बी स्मॉल एल, ठीक है. देन स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल, ठीक है. ये चार गैमेट्स बनेंगे बिकॉज ऑफ दी व्हाट यू कॉल क्रॉसिंग ओवर. और यहां पे तो एक ही टाइप है. डन. अब दिस इज द पेरेंटल गैमेट एंड दिस इज द पेरेंटल गैमेट. ये दो गैमेट जो आपको मिले हैं, दिस आर द रिकॉम्बिनेशंस, दिस आर द रिकॉम्बिनेंट्स. दिस इज पेरेंटल, दिस इज पेरेंटल एंड दिस टू आर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट द F2 जनरेशन, अगर चेक करें यहां पे कि F2 जनरेशन में क्या देखने को मिलेगा, तो F2 जनरेशन में what do we have? So capital B capital L going with small b small l. So capital B capital L going with small b small l. ये एक individual आएगा. Then capital B small l going with capital small b small l. So this is one individual. ठीक है. फिर इसकी बात करते हैं. So this is small b capital L going with small b small l. This is another type. And the last one, that is small b small l and small b small l. So this is the outcome for the F2 generation. तो अगर यहां पे देखें कि phenotypic expression क्या है, if you look for the phenotypic expression, तो यहां पे क्या expression मिलेगा. So this is going to be b is for blue. This is going to be blue long, capital L है इसलिए, capital L is for long, small L is for round, ठीक है. यहां पे क्या है, यहां पे भी capital B है और small L है. तो this becomes blue round. What about this one? यहां पे तो small B है और capital L, small B is for red. So this is going to be red and this is L is for long. This is going to be long. और यहां देखे तो दोनों small b small l है. So small b and small l. So this is going to be red long. ठीक है. So blue long जो है that is going to be 43.7%. Blue long that is going to be 43.7%. ठीक है. ब्लू राउंड जो है दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. रेड लॉन्ग जो है दैट इज गोइंग टू बी 6.3%. एंड द रेड लॉन्ग दिस इज राउंड, रेड राउंड. The red round is going to be 43.7%. 43.7%. ठीक है. तो parental combinations कौन से, तो blue long is parental combination, red round is parental combination, this is parental, this is parental, और बाकी के जो दो है 6.3 those are रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन. मतलब पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा आए हैं, पेरेंटल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ज्यादा है. ये दोनों क्या है, दिस आर द न्यू कॉम्बिनेशंस. ठीक है. नाउ व्हेन वी लुक एट द F2 जनरेशन, तो आपको F2 जनरेशन में क्या दिखेगा. सो F2 जनरेशन को जब आप देख रहे हो तो यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ द अरेंजमेंट है एलील्स का, दैट इज द सिस कॉन्फिगरेशन, दैट इज द सिस कॉन्फिगरेशन. मतलब आपने जो पेरेंटल टाइप देखा था, ओके, पेरेंट में आपने क्या देखा था, पेरेंटल में कौन सा कॉम्बिनेशन था, सिस कॉन्फिगरेशन था. दिस इज सिस कॉन्फिगरेशन बिकॉज डोमिनेंट वाले एलील्स
एक क्रोमोसोम पे है और रिसेसिव वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे। यहाँ पे भी आप देखो डोमिनेंट वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे है, रिसेसिव वाले एलील्स एक क्रोमोसोम पे। पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में डोमिनेंट वाले एक पे है और ये रिसेसिव पूरा एक पे, ठीक है। तो आप देख रहे हो इस तरीके से अरेंजमेंट है, डोमिनेंट वाले एक क्रोमोसोम पे है और रिसेसिव वाले एक क्रोमोसोम के ऊपर आपको दिख रहे, ठीक है ना। सो पेरेंटल क्रोमोसोम्स के पास जो सिस कॉन्फ़िगरेशन था वही सिस कॉन्फ़िगरेशन कहां पे पास ऑन हो गया, इन द प्रोजेनी, ठीक है। तो मैं यहां पे मेंशन करता हूं इफ इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम और प्रेजेंट टूगेदर, ठीक है। एंड मैं इसको हटा देता हूं यहां से, एंड इन द प्रोजेनी द सेम थिंग इज रिपीटेड अगेन। In the progeny also two dominant genes tend to stick together. In progeny also two dominant genes tends to stay together. ठीक है, पेरेंट में तो दो डोमिनेंट जीन साथ में ही थे प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, और प्रोजेनी में भी क्या हुआ, इन द प्रोजेनी आल्सो द टू डोमिनेंट जीन्स टेंड टू स्टे टुगेदर। मतलब आप देख रहे हो ये दोनों साथ में यहां पे अवेलेबल है, ठीक है। मैक्सिमम नंबर जो है इसका है 43.7%, यहां पे दोनों रिसेसिव साथ में, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज नोन एज गैमेटिक कपलिंग, this is known as gametic coupling, this is known as gametic coupling. That means parental जो arrangement था chromosomes के ऊपर genes का, उसमें क्या देखा था आपने, आपने cis configuration देखा था कि यार dominant वाले alleles साथ में है और recessive वाले साथ में है। ये सेम टाइप का पैटर्न आपको कहां दिख रहा है, प्रोजेनी में भी दिख रहा है, डोमिनेंट वाले साथ में आ गए एक ही क्रोमोसोम के ऊपर। तो मैंने क्या लिखा है, इफ इन पेरेंट टू डोमिनेंट जीन्स आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम और वो सेम पैटर्न रिपीट होता है इन द प्रोजेनी, इन द प्रोजेनी आल्सो द टू डोमिनेंट जीन्स टेंड टू स्टे टुगेदर ऑन सेम क्रोमोसोम और या फिर ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो दैट पैटर्न इज नोन एज गैमेटिक कपलिंग, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर, गैमेटिक कपलिंग आपको समझ में आ गया। नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर थिंग दैट इज द गैमेटिक रिपल्शन। ये कंसेप्ट समझ में आ गया, सिस वाला कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट में था, वही कॉन्फ़िगरेशन अगर आपको ज्यादा अमाउंट में प्रोजेनी में भी देखने को मिलता है, सो दैट मीन्स इट्स अ गैमेटिक कपलिंग। नाउ अगेन विल टेक स्वीट पी प्लांट, एंड विल टेक द कैरेक्टर्स ब्लू राउंड एंड रेड लॉन्ग, ठीक है, सेम। सो क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या दिखाना पड़ेगा, ब्लू इज डोमिनेंट, सो दिस इज कैपिटल बी, दिस इज स्मॉल बी, दिस इज स्मॉल एल, दिस इज स्मॉल एल, ठीक है, ये पैटर्न बनेगा। रेड जो है रिसेसिव है, स्मॉल बी स्मॉल बी, और यहां पे क्या लेते हैं, कैपिटल एल ले लेते हैं, कैपिटल। So this is the genotype for the parents. This is parental.
ठीक है, अब गैमेट्स बनेंगे, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, क्रॉसिंग ओवर होगा यहां पे, तो गैमेट्स बनेंगे, यानी कि इसमें एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दिस इज सपोज टू बी कैपिटल बी, ठीक है, सो यहां पे एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल वी स्मॉल एल, और यहां पे जो गैमेट बनेगा वो भी एक ही टाइप का बनेगा, सो दैट इज स्मॉल बी एंड कैपिटल एल, ठीक है, स्मॉल बी एंड कैपिटल एल। अब ये दोनों से जो एफ वन जनरेशन ऑप्टेन होगी, F1 generation जो obtain होगी, the F1 generation is going to have capital B, small b, small l, capital, ठीक है। अब अगर आप यहां पे देखो तो what do you see, यहां पे जो chromosome है उसका configuration कौन सा है, ट्रांस configuration है, because one of the dominant allele is on one chromosome and another dominant allele is found on the other chromosome, ठीक है, तो मैं यहां पे mention करता हूं trans configuration, क्या है trans configuration है, that means one dominant gene is on one chromosome and other dominant gene is on other chromosome, ठीक है, तो अगर इस तरीके से जो dominant genes है, जो alleles है, वो अलग अलग chromosome पे अगर located है, तो जो arrangement है, it is known as trans configuration, ठीक है, one dominant gene is on one chromosome and the other dominant gene is on other chromosome, ठीक है, यानी situation है, तो the configuration, the arrangement is known as trans configuration, ठीक है। अब इसका भी अपन करेंगे test cross, आप लिख लो इस चीज को, so इसका भी करेंगे test cross, तो टेस्ट क्रॉस में क्या लेंगे, रिसेसिव लेना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। अब गैमेट्स बनेंगे वाले केस में भी, तो गैमेट्स कौन से बनेंगे, सो द गैमेट्स आर गोइंग टू बी कैपिटल बी गोइंग विद स्मॉल एल, कैपिटल बी कैन आल्सो गो अलोंग विद कैपिटल एल, and the same goes for the other one, that is small b going with small l and small b going with capital l, aur yahan pe to ek hi type hai, that is, ठीक है, ये गैमेट्स बनने वाले याले क्रॉसिंग ओवर होता है यहां पे, बिकॉज ये जीन्स क्या हो चुके, मिक्स हो चुके। अब क्या आएगा, देयर इज गोइंग टू बी फॉर्मेशन ऑफ द एफ टू जनरेशन, ठीक है, तो एफ टू जनरेशन में एफ वन यहां लिखा है, मैं ऊपर लिखूंगा एफ वन हाइब्रिड्स क्या मिलेंगे, दिस इज पेरेंटल, सो यहां पर अब मुझे मिलेगा एफ टू हाइब्रिड, ठीक है, तो F2 हाइब्रिड क्या मिलेगा, तो यहां देखते हैं, कैपिटल B कैपिटल L गोइंग विथ स्मॉल B स्मॉल L, सो यहां लिखते हैं कैपिटल B स्मॉल L गोइंग विथ स्मॉल B स्मॉल L, ठीक है, तो ये एक इंडिविजुअल है। दूसरा टाइप क्या मिलेगा, कैपिटल बी कैपिटल एल
कैपिटल बी कैपिटल एल गोइंग अलोंग विथ स्मॉल बी स्मॉल एल. दूसरा टाइप क्या मिलेगा, तो इसका भी हो गया, इसको देख लेते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल बी स्मॉल एल गोइंग विथ स्मॉल बी स्मॉल एल एज वेल. ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा. सो दिस इज ओके, आई डू वन थिंग, आई इसको एल लिख देते हैं इसको. ठीक है, सो यहां पे कॉम्बिनेशन आएगा ये वाला, दिस गोइंग विथ दिस. ठीक है, और लास्ट में आएगा स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल बी स्मॉल एल. ठीक है, अलग कॉम्बिनेशन आ जाएगा. ठीक है, सो दिस इज क्लियर. कैपिटल बी स्मॉल एल, कैपिटल बी कैपिटल एल, स्मॉल बी स्मॉल एल स्मॉल बी. ओके, स्मॉल बी कैपिटल एल एंड स्मॉल बी स्मॉल एल. ठीक है, ये आप आउटकम आ गया F2 हाइब्रिड्स का. नाउ what is the phenotypic expression यहाँ पे. so this one is going to be capital A. okay, so this is going to be blue and round. क्या होगा, blue and round. capital B है, capital L भी है. so this is going to be blue long. यहाँ पे दोनों small है. so this is going to be red and round. ठीक है, एंड यहां पे स्मॉल बी एंड कैपिटल एल है. सो दिस इज गोइंग टू बी रेड एंड लॉन्ग. ठीक है, सो नाउ लुकिंग एट दिस कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन कौन सा है. तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन अगर आप देखो, सो दिस इज ब्लू राउंड इज पेरेंटल कॉम्बिनेशन. तो मैं यहां पे लिख देता हूं पी. एंड रेड लॉन्ग इज द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, तो मैं लिख देता हूं पी. ठीक है, बाकी के कॉम्बिनेशंस कौन से, तो बाकी के जो कॉम्बिनेशंस है दोज आर द रिकॉम्बिनेंट्स, दोज आर द रिकॉम्बिनेंट्स. ठीक है, तो रेशियो अगर निकाले तो रेशियो आता है 7:1:1:7. क्या रेशियो आता है, कहां लिखूं रेशियो, द रेशियो इज गोइंग टू बी 7:1:1:7 is the ratio. ठीक है, तो यहां पे भी आप देखो ज्यादा नंबर जो है वो 7 है और बाकी के आपका कम नंबर किसका, रिकॉम्बिनेंस का नंबर कम है. ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, जैसे मैंने आपको बताया था कि ज्यादा अमाउंट में, जैसे यहां आप देख रहे हो कैपिटल बी और कैपिटल एल. ठीक है, यहां पे कैपिटल बी और कैपिटल एल साथ में, पर उसका प्रोपोर्शन क्या है, द प्रोपोर्शन इज लेस. ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल एल अलग है और उसका प्रोपोर्शन क्या है, ज्यादा है. ठीक है, तो जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, दैट इज कैपिटल बी इज लोकेटेड ऑन वन डोमिनेंट एलील इज लोकेटेड ऑन वन क्रोमोसोम, another dominant allele is going to be located on another chromosome. दोनों dominant allele साथ में नहीं होने वाले. First case में आपने क्या देखा कि दोनों dominant alleles क्या होते हैं, एक ही chromosome के ऊपर होते हैं. But याले case में आप क्या देखोगे, parental combination में अगर आप देख रहे हो तो dominant allele किसके पास है, एक dominant allele एक chromosome पे है और दूसरा dominant allele कौन से chromosome पे, दूसरे chromosome के ऊपर available है. ठीक है, this is the parental. इसको अपन F1 जनरेशन वाले पेरेंट को अगर चेक करें, जो अभी रब कर दिया मैंने, सो F1 जनरेशन के पेरेंट को अगर चेक करते हैं, तो F1 जनरेशन में जो पेरेंट अपन ने लिया था दैट वाज कैपिटल बी कैपिटल एल एंड दिस वाज स्मॉल एल एंड दिस इज स्मॉल बी. ये आया था,
जिसको आपने सेल्फ क्रॉस किया था, सॉरी टेस्ट क्रॉस किया था, सेल्फ क्रॉस नहीं, टेस्ट क्रॉस किया था, और यहां पे क्या मिला था, दिस वॉज, दिस इज कैपिटल पी, ठीक है, ये आउटकम था। तो यहां पे कैपिटल बी और कैपिटल एल दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर है, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखो तो ये कैपिटल बी है और यहां पे दूसरे क्रोमोसोम पे कैपिटल एल लोकेटेड है, कैपिटल बी यहां पे और कैपिटल, अच्छा यानी कौन सी कंडीशन, दिस इज सिस कॉन्फ़िगरेशन, बट सिस कॉन्फ़िगरेशन का प्रोपोर्शन तो काफी कम है, है ना, सिस कॉन्फ़िगरेशन का प्रोपोर्शन काफी कम है। तो जो डोमिनेंट एलील्स है वो क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, दे आर नॉट टुगेदर। फर्स्ट केस में आपने क्या देखा कि जो डोमिनेंट एलील्स है वो क्या थे, दे वर गेटिंग टुगेदर, बट यहां पे डोमिनेंट एलील्स क्या है, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर, गेटिंग द आइडिया। मतलब जो ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन पेरेंट में देखने को मिला था वही ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन किस में देखने को मिल रहा है, न्यू प्रोजेनी में देखने को मिल रहा है। सो यहां से क्या अपन प्रूव करेंगे, इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, है ना। फर्स्ट केस में आपने जब देखा, आप जब पढ़ रहे थे गैमेटिक कपलिंग, तो आपने बोला था यार डोमिनेंट जीन्स, दोनों डोमिनेंट जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे होंगे, बट यहां पे क्या हो रहा है, दोनों डोमिनेंट जीन्स एक क्रोमोसोम पे नहीं, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है, जैसे आपको याले केस में दिख रहा है, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है, एक क्रोमोसोम पे एक ही डोमिनेंट जीन है, मतलब यहां पे डोमिनेंट जीन साथ में नहीं एग्जिस्ट कर रहे, यहां पे डोमिनेंट जीन एक दूसरे से क्या कर, रिपेल कर रहे। फर्स्ट केस में कपलिंग में आपने क्या देखा, डोमिनेंट जीन साथ में आ रहे, यहां पे डोमिनेंट जीन्स क्या कर रहे, दे आर रिपेलिंग फ्रॉम ईच अदर, एक डोमिनेंट जीन एक क्रोमोसोम पे है तो दूसरा डोमिनेंट जीन कोई दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर है। सो इन पेरेंट्स टू डोमिनेंट जीन्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, एंड द सेम थिंग इज पास्ड ऑन टू द प्रोजेनी, लिखते इन प्रोजेनी ऑल्सो, इन प्रोजेनी ऑल्सो टू डोमिनेंट एलील्स आर सेपरेट, दे आर नॉट टुगेदर, सेपरेट नॉट ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है इट इज नोन एज गैमेटिक रिपल्शन, यहां पे जो डोमिनेंट अलील्स है वो क्या कर रहे हैं, दे आर शोइंग रिपल्शन, दे आर नॉट टूगेदर, ठीक है, दे आर नॉट, यहां पे एक यहां पे है तो दूसरा यहां पे, एक यहां पे है तो दूसरा कोई दूसरे पे प्रेजेंट है। फर्स्ट वाले केस में क्या था, दोनों डोमिनेंट एलील्स एक ही क्रोमोसोम पे होते थे, यहां पे दोनों डोमिनेंट एलील्स या जीन आर प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स, सो दैट इज नोन एज गैमेटिक रिपल्शन, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन शोज गैमेटिक रिपल्शन, एक यहां पे दूसरा यहां पे, ठीक है, एंड सबसे लेस अमाउंट में क्या दिख रहा है आपको, दिस इज गैमेटिक कपलिंग, दैट इज इन वेरी लेस अमाउंट। फर्स्ट केस में सबसे ज्यादा आपको ये दिख रहा था गैमेटिक कपलिंग होता हुआ दिख रहा था, और याले केस में आपको सबसे ज्यादा क्या दिख रहा है, गैमेटिक रिपल्शन, ठीक है। सो दिस वर द पार्ट्स ऑफ जो आपने आज देखा, गैमेटिक कपलिंग देखा और गैमेटिक रिपल्शन देखा, विच आर द पार्ट ऑफ व्हाट, इनकम्प्लीट लिंकेज की बात हुई आज, ठीक है, कंप्लीट लिंकेज में तो साथ में ही रहने वाले, बट इनकम्प्लीट लिंकेज में आपको दो पैटर्न्स दिखते हैं, गैमेटिक कपलिंग और गैमेटिक रिपल्शन, जो आज के लेक्चर में अपने डिस्कस किया, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया, अगर नहीं समझ में आ रहा, कंफ्यूजन आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है, मैसेज ड्रॉप करके जो भी डाउट्स आप पूछ लेना, ठीक है, बट यू हैव टू गो थ्रू दिस वीडियो ट्वाइस, तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे, सो लिसन टू द वीडियो प्रॉपरली,
ठीक है. सो आई विल कीप दिस मच फॉर द लेक्चर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल मूव अहेड एंड विल टॉक अबाउट द न्यू चैप्टर. ठीक है, चलो बाय बाय.